Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Assalatu wassalamu alaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah, aaj Shaykh Madar Shah Qadri, jo Hazrat Syed Muhammad Badshah Qadri Qadirullah ka khalifa, wo Pune Bhawani Pet ka rehne wala hai. Aaj unka 47th 47th urus ka din hai. अभी तो उरूस इंशाअल्लाह पूरा एक दिन, आज का दिन वो उरूस का डिफरेंट मुख्तलिफ प्रोग्राम में था हम लोग, बिलखुसूस शेख मदार शाह कादरी जो कदीरुल्लाह खलीफा एक कदीर सैयद मोहम्मद बादशाह कादरी रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो पुणे के भवानी पेट के रोशन मस्जिद के किनारे पे है उनका दरगाह. और आज उनका खलीफे के खलीफा केरला से उनके वो खलीफा और उनके खुलफा लोग, मुरीद लोग तशरीफ़ आए, शेख मोहम्मद बाब उस्ताद कादरी और हमसा उस्ताद कादरी इंशाअल्लाह और दीगर खुलफा लोग और मुरीदीन इंशाअल्लाह जैसे हर साल में आते हैं, जैसे उनका खलीफा था सूफ़ी मोहम्मद यूसुफ सुल्तान शाह कादरी जिसकी कथा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके ज़माने में सालों हर साल में ये मनाते थे, उनके सरपरसी में करते थे. उनके विसाल के बाद अब उनके खलीफा शेख मोहम्मद बावस्ताद शाह कादरी चिश्ती के सरपरसी में और दीगर खलफा के सरपरसी में करते जाते हैं. इस उरूस के मौके पर इंशाअल्लाह एक अहम पैगाम है जो शेख मदार शाह कादरी ने किया, वही यही पैगाम है हर इंसान पर एक कामिल पीर जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाली निस्बत रखती है, वही पीर से बैअत करना लाजिम है. किस लिए बैअत करते हैं? वो इसीलिए बैअत करते हैं, हर इंसान का रूह आलम अरवाह में अल्लाह से एक करार किया है, वो करार की तजदीद करना लाजिम है. दादा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर को खुदा ने भेजा, वह हर पैगंबर यही ज़िम्मेदारी ने अदा की. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उसके बाद अपने खुलफा और सहाबे किराम और उसके बाद ताबईन और बाकी कामिल मशाइखीन किराम और पीरान लोग वही ज़िम्मेदारी करते हैं. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई पैगंबर नहीं आएगा, वही ज़िम्मेदारी क़ियामत के दिन जारी है. वही ज़िम्मेदारी ने गौसे समदानी कुतुब रब्बानी अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि भी वही ज़िम्मेदारी अदा किया, दीन को ज़िंदा किया, वो मुहिद्दीन बन गए. वही सिलसिले पे सरकार दो आलम सलाम से लेकर गौसे पाक से होके आने वाला सिलसिला कादरी आलिया में है मदार शाह बाबा खलीफा, और उनका खलीफा है सूफ़ी मोहम्मद यूसुफ सुल्तान शाह कादरी जिसकी कदर सलाम, वो भी उनके ज़माने में हज़ारों लोगों को वही दावत दे करके ऐसा वो उनसे एक तो कारिमा तयब में बैत कर करके इस फ़ानी दुनिया से निकलने पहले वफात के टाइम कलिमा पढ़ करके आठ टाइम बोल करके हंस करके इंशाअल्लाह इधर से ऐसे अच्छे सच्चे मौत पाने के लिए तौफीक मिली. वही हालात कियामत का दिन तक जारी रहेगी. वही ज़िम्मेदारी इंशाअल्लाह आज उनका खलीफा सैयद मोहम्मद बाब उस्ताद शाह कादरी और दीगर खलफा लोग वही ज़िम्मेदारी अदा करते हैं. तो ये उरूस के मौके पर हमको यही पैगाम आपके सामने रखना है कि इंसान पर, हर इंसान पर फ़र्ज़ है एक कामिल पीर के दस्ते मुबारक पे बैत करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक कलिमा तय्यब से अपने रूह दिल रोशन करना, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िम्मेदारी दिया वही दिया, वही अल्लाह से जो उखदा और करार किया वो उसकी तजदीद करना, इंशाअल्लाह ये पैगाम आप लोगों के सामने रखते हैं. और अगले साल भी इस साल के तरफ ये उरूस हम मनाए जाएंगे, उसको आप सब लोगों की दावत भी देते हैं इंशाअल्लाह. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.